अपने ध्यान को, मन को, इंद्रियों को एकल करने का सबसे सर्वोत्तम मार्ग क्या है? आज के समय में जिंदगी की ये बहुत बड़ी समस्या है कि किस तरीके से हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में करें, किस तरीके से हम अपने कुंठित मन को शांत करें, किस तरीके से एक और बहना सीखें। ऐसे तो बहुत सारे विधि विधान हैं जिनका पालन करके, जिनको जान के, जिनका निर्वाह करके आप एकल की ओर बढ़ सकते हैं, संलग्न हो सकते हैं। लेकिन मेरे नज़र में जो सर्वोत्तम मार्ग है वो यही कि आप अपने कार्य को निरंतर करते रहें। कार्य चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, ऊंच हो, नीच हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस उसमें लिप्त रहें संपूर्ण तरीके से, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा उसमें आप अपना झोंक दें, ताकि आपको कुछ और सोचने और समझने का कभी मौका ही ना मिले। आज हमारे पास समय बहुत है, इतना समय है कि हम अपने मोबाइल फोन को स्क्रॉल करते करते ही समय को व्यतीत कर देते हैं। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि अपने एक कार्य को सही तरीके से पूर्ण कर सके, और यही वजह है आज के जीवन में हो रहे कलह का, यही वजह है आज के संबंधों के विच्छेद का। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण तरीके से सिद्ध नहीं कर सकता, उसमें ध्यान नहीं लगा सकता, अपने मन को उसमें अर्पण नहीं कर सकता, वो व्यक्ति किसी और चीज को किस तरीके से संभाल सकता है? जरा सोचिए, आपको अगर कोई कार्य दिया गया है तो केवल आपको उसको करना है या पूर्ण रूप से उसमें संलग्न होके, ध्यान लगा के, सही तरीके से उसको अपनी ऊर्जा के साथ पूरा करना है? ये सोचना समझना बेहद ही जरूरी है कि जब तक आप अपने कार्य में पूर्ण तरीके से लिप्त नहीं होते हैं, तब तक आपको उसका पूर्ण फल कभी नहीं मिलता है। जिंदगी में आप अपने आप को जितना खाली छोड़ेंगे, आपको अपनी जिंदगी में उतना ही दर्द का अनुभव होगा, क्योंकि जितना खाली हैं आप, उतने तरीके की सोच, उतने तरीके के विचार आपके मन में, मन मस्तिष्क में निरंतर घूमते और तैरते रहेंगे, जिसका कोई समाधान नहीं। इसका केवल और केवल एक ही समाधान है कि आप जो समय व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं, वो आप कुछ ना कुछ कार्य को करने में लगाएं और निरंतर करते रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कार्य आपके लायक है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं। बस इतना जरूर होना चाहिए कि उसमें आपका, आपकी रुचि होनी चाहिए, आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जहां भी आपने अपने कार्य को छोड़ा, उससे ध्यान हटाया, आप इस बनावटी दुनिया के उजूल फुजूल में फंस जाएंगे और फिर उस दुख दर्द का आपको अनुभव होने लगेगा, जिसकी पीड़ा निरंतर आपको मारते चली जाएगी। जब आप अपनी जिंदगी में निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो आप निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और ये आपके जीवन को सजीव बनाता है। ये आपको कभी बूढ़े होने का एहसास नहीं होने देता, क्योंकि इंसान जब तक सीखता रहता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। जब तक आप में सीखने की क्षमता है, तब तक आप में कार्य करने की क्षमता है। इसलिए आज के जीवन में शांत भाव से रहने का, जीने का, मन को एकल करने का, इंद्रियों को एकल करने का एक ही तरीका है कि निरंतर अपने कार्य में संलग्न रहें और पूरे मन से, पूरे समर्पण से अपने कार्य को करते रहें, कुछ न कुछ नया निरंतर सीखते रहें।